बहुत सारे लोग, जब मैंने घर में बोला कि मुझे जर्नलिज्म कोर्स करना है, तो काफ़ी सारे लोग अब्बू के पास आए और कहा कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है, ये छकूर क्या कर, वट विल शी डू देयर। सो देन आई हैड टू कन्विंस माई फैमिली। मैंने अब्बू से कहा कि मैं अगर जर्नलिज्म का कोर्स जो मैं एंट्रेंस दूंगी, अगर मैंने इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो मैं घर में बर्तन दूंगी। राफिया का माफिया जनाब कुछ भी नहीं है, घबराए नहीं, राफिया का माफिया है राफिया की दुनिया, जहाँ पे मैं आपको अपनी दुनिया में लेके आती हूँ। अगर हम पर्दे के पीछे भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव हैं, लोग तब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको खींचने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातों पे हमें भी ट्रोल किया जाता है, हमें भी नहीं बख्शा जाता है उस चीज़ पे। खासियत है मेरे शो की, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे ट्रैक सुनाती हूँ। एक बार जब मैं नई नई रेडियो वर्ल्ड में आ गई थी, तो मैं चरारशी से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम एक टाउन आता है। लोग कहने लगे कि सोशल मीडिया पे इट वाज बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे, कि आई ये गांव से अब ये क्या आरजेइंग करेगी। दो, उनको पता नहीं था कि आरजे होता क्या है, यू नो आरजे का फुल फॉर्म भी उनको पता नहीं था, बट देन दे वर यू नो कि अब ये गांव से आई ये हमें क्या सिखाएगी या वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई लाइक काइंड ऑफ प्रूव्ड माई सेल्फ एंड आई थॉट कि मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सोसाइटी में, आई डिड इट। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ सोफी, आप सुन रहे थे शो रेड इंडिया शफल। इट्स अ व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर वे बैक इन 2007, तो उस टाइम पे ये ट्रोलिंग और ये नेगेटिविटी और ये तनकीद करना हर बात पे ये नहीं होती थी। अब सोशल मीडिया के ज़माने में तो आपकी सांस पे भी लोग कहते हैं कि ओ इस तरह से सांस क्यों ली और उस तरह से क्यों नहीं ली। ये भी कहते हैं कि ये क्यों, ये सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है। आप पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं कि बाल क्यों खुले हैं और वीडियो क्यों बनाई है, तो इस तरह के आई थिंक वो उसे मैं ट्रोलिंग ही कहूँगी। अगर एक मेल रेडियो जॉकी को आप देखें, जिस तरह का वो कंटेंट कर रहे हैं, ह्यूमर कर रहे हैं, या जिस तरह का कि वो मजाक कर रहे हैं, वही मजाक उसी तरह का ह्यूमर अगर एक फीमेल रेडियो जॉकी करे तो कयामत आ जाएगी। अब यकीन माने ट्रोलिंग इस हद तक होगी, इस कदर होगी कि शायद उस लड़की का कॉन्फिडेंस टूट जाए फॉरएवर। जाते जाते ना एक बात आपसे कहूं, पते की बात है, दिल और चार्जर ना, वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, अभी भी उम्मीद बची है हमारी सोसाइटी में, अभी भी लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं और जो समझते हैं, जो रियल टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं। आई जस्ट विश, काश कि ऐसा हो जाए, बट आई डोंट सी इट कमिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि इट्स एवरीवेयर, इट्स नॉट जस्ट इन कश्मीर, इट्स एवरीवेयर। टाइम तो अभी बहुत लगेगा, लेकिन जैसे कि मैंने अभी फिर से मैं बोलूंगी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हर अंधेरे के बाद ना उजाला जरूर आता है।